1400 डिग्री। हाँ, इसके एक भट्टी 1400 डिग्री निकालेगी। एक भट्टी 2200 केजी मेटल निकालेगी, उसका टेम्परेचर 1400 केजी होगा। 1400 डिग्री, 1400 डिग्री एक भट्टी, तो कितनी भट्टियाँ हैं यहाँ पे? ये 35 फर्नेस हैं टोटल। तो फिर कितने डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा इस जगह? नहीं, सारी भट्टियों का टेम्परेचर तो 1400 डिग्री है। हाँ, तो 1400 का तो मेटल का टेम्परेचर है, पर जिस दिन वर्किंग होगी उस वक्त ऑलमोस्ट इस फैक्ट्री के इनसाइड का एयर टेम्परेचर 90 से 100 के बीच में रहेगा, और वो केवल 15 मिनट के लिए होगा। 90 से 100, 90 डिग्री से 100 डिग्री एयर टेम्परेचर होगा। एयर टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर में कैसे काम होगा, काम कर पाएंगे? हाँ, काम कर पाएंगे। उसके लिए स्पेशल ड्रेसेस हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, उनको पहन के ही काम होगा उस वक्त, क्योंकि इस फर्नेस के करीब 30 फीट की हाइट पर जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, जहाँ मेरे को खड़ा होकर इस पूरे को कंट्रोल करना है। तो आदि है, ये तो 1400 डिग्री का स्टील में तो 2200 डिग्री मेटल टेम्परेचर हो जाता है। अच्छा, इसमें ये बताएंगे कि किस तरीके से मेल्ट होगा, किस तरीके की फर्नेस जो आपने है वो तो पूरी पूरी फैक्ट्री में फैला रखी है, जिस तरीके सब जगह लगा रखी है, एक एक भट्टी लगा रखी है, इस भट्टी से कैसे पीतल आएगा, कैसे इसमें से पिघल के उसमें जाएगा, फिर आप कह रहे हो कि उसमें नीचे से ऊपर जाएगा, तो वो कैसे जाएगा फिर? ये जितनी भी भट्टियाँ हैं जिस वक्त हमको मेल्टिंग करनी होगी, उस मेल्टिंग के करीब 3 घंटे पहले इसकी फायरिंग चालू हो जाएगी। फायरिंग से इस भट्टी के अंदर किसी भी तरह का मॉइस्चर होगा या जो भी होगा वो निकल जाएगा, और क्रूसिबल जो है वो टेम्परेचर पे आ जाएगी। उसके अंदर हम पीतल चार्ज करेंगे और ये डीजल से इनकी कंटिन्यूस फायरिंग होती रहेगी। हाँ, जिसमें मेटल का टेम्परेचर 950 डिग्री तक पहुंच जाएगा। उसको लेजर गन से हम चेक कर लेते हैं कि जब करीब करीब सभी भट्टियों में 950 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद इसमें थर्मिट एक पाउडर तैयार किया है, उस मेटल के कंपोजिशन के हिसाब से वो पाउडर तैयार होता है। उस पाउडर से थर्मिट रिएक्शन करा के फॉर ए इंस्टेंस ऑफ सेकेंड्स, मतलब विद इन 5 to 6 सेकेंड, वो टेम्परेचर हमारा 3000 डिग्री पर पहुंचता है। पर चूंकि मेटल का क्वांटिटी ज़्यादा है और जो पाउडर होगा वो कम होता है, तो हम पाउडर उस हिसाब से क्वांटिटी का डालते हैं कि वो टोटल जो मेटल है उसका टेम्परेचर 1400 डिग्री हो जाए। अच्छा, पर थर्मिट रिएक्शन का जो इंस्टेंट पॉइंट है उस वक्त उस स्पॉट पर टेम्परेचर 3000 होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे मेटल का टेम्परेचर 3000, पूरे मेटल का टेम्परेचर हाईएस्ट 1400 डिग्री पहुँचेगा। एक साथ सारी भट्टियों का जब हम 1400 डिग्री पर पहुँचा देंगे, फिर वहाँ उसको रोक करके, फिर ये जो दिख रहा है आप देख सकते हैं बकेट्स हैं, इनको हम लेडल बोलते हैं, इन लेडल्स के अंदर उन भट्टियों का माल डाला जाएगा। अच्छा, एक भट्टी का माल एक लेडल में भर दिया जाएगा। क्रेन की हेल्प से हम इस भट्टी इन लेडल को ऊपर ले जाएंगे, फिर इसका माल जो है हम टंडिश में ट्रांसफ़र करेंगे। ऑलरेडी टंडिश में बनवा चुका हूँ, 2 टंडिश मेरे पास बने रखे हुए हैं। अच्छा, इस घंटी के दोनों साइड में 2 होल हैं जिनके अंदर से मेटल हम इसके अंदर चार्ज करेंगे, और उस मेटल टंडिश को उस होल के ऊपर रखा जाएगा जिसमें लॉकिंग की सिस्टम है। हम एक बार टंडिश भर देंगे, फिर दूसरा लेडल जब ऊपर जाएगा उस वक्त हम उस टंडिश को चालू कर देंगे। तो 2 टंडिशों से एक साथ पूरा माल घंटी के अंदर जाएगा, और वह कंटिन्यूस विद इन 15 to 20 मिनट्स ये टोटल 35 भट्टियाँ इनको खाली करके उसके अंदर मार, मतलब आपका कहना है 20 मिनट के अंदर पूरा घंटा डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा, तो 20 मिनट का जो घंटा डलेगा 20 मिनट में, उसके लिए तैयारियाँ कितने टाइम से चल रही है आपकी? ये तैयारियाँ मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया इस तैयारी करते हुए? मैं 3 जुलाई को इसी साइट पर काम चालू किया था, उस वक्त बहुत बारिश थी। हाँ, बांध के करीब 15-16 गेट भी खुले हुए थे, यहाँ भी पानी भरा हुआ था, चारों तरफ से इधर आने का रास्ता नहीं था। तो उन एडवर्स कंडीशंस में भी जैसे तैसे हमने अलग मशीनरी यूज करके शेड को बनाया, तो शेड को कंप्लीट करके। अच्छा, शेड पहले एक बार जब मैंने सुना था ये शेड एक बार बन गया था, बनने के बाद गिर भी गया था, ऐसा भी कुछ हुआ था? हाँ, तो परेशानियां तो काफ़ी आई। परेशानियां तो काफ़ी आई, और जब हिस्ट्री लिखने लगते हैं तो परेशानियाँ आती हैं। पहले ठेकेदार दूसरा था, जनवरी 2022 में काम चालू कर दिया था। हाँ, पर
क्योंकि उस ठेकेदार ने टाइम पे पैसा भी नहीं दिया और वो हाथ खींच लिया था, वो पैसा देना भी नहीं चाहता था। उनका इंटरेस्ट ये था कि मेरा पैसा इन्वॉल्व होता जाए, पर उस वक्त मैंने भी हाथ खींच लिया कि आई एम नॉट कॉन्ट्रैक्टर, तो मैं अपना पैसा क्यों इन्वॉल्व करूँगा। उस चक्कर में शेड कम्प्लीट हो गया था पर इसका लॉकिंग का नहीं हुआ था। मतलब उससे पहले ही मैंने अप्रैल 2022 में कॉन्ट्रैक्टर को लिख के दे दिया था कि आप पेमेंट नहीं देंगे तो मैं बिना लॉक किए शेड को जा रहा हूँ, मैं अपना पैसा इन्वॉल्व नहीं करूँगा। यदि किसी भी दिन आंधी आई, यदि शेड गिरता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, सुना है शेड भी नई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाँ, शेड रिकॉर्ड बना चुका है ये। हाँ, ये बना। इसके बारे में बताएंगे, शेड के बारे में आप? ये जो डिजाइन है ये जर्मन हैंगर है। जनरली इस टाइप के हैंगर्स शेड को आप दिखाते रहो, सर बता रहे हैं अपन को। जनरली इस टाइप के जो हैंगर होते हैं इस डिज़ाइन को हम जर्मन हैंगर बोलते हैं। जर्मन हैंगर या तो कोई एग्जीबिशन के लिए या कोई कहीं मीटिंग्स वगैरह होती है उनके लिए बनते हैं, या एयरपोर्ट्स पर हैंगर मिलेंगे जहाँ पर प्लेन्स वगैरह को पार्क किया जाता है। तो इनकी हाइट 40-45 फीट से ऊपर की कहीं भी नहीं है, पर ये जो हैंगर है ये 65 फीट हाइट का है। अच्छा सर, मेरे ख्याल से आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, थोड़ी देर ये जेसीबी को बंद करा सकते हैं क्या अपन, दो मिनट के लिए? हाँ, एक मिनट में मैं बंद कराता हूँ। हाँ, थोड़ी सी क्योंकि वीडियो की जो क्वालिटी है, आवाज़ है, उसमें शायद ये आवाज़ जा रही होगी। हाँ, सुभाष सुभाष, ये जेसीबी बंद करा दे, ये बंद करा देना क्रेन। वैसा कुछ नहीं, ये चलता रहता है काम। हाँ, काम तो चलता ही रहता है पूरी लगातार। हाँ, ये एक साल से आप लगे हुए हो। राउंड द क्लॉक मिनिमम 16 आवर ये काम चल रहा है। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे होंगे यहाँ पे? यहाँ इस पहले 40 थे, जैसा वर्क रहता है उसके हिसाब से कम ज़्यादा होते रहते हैं, पर जितने भी वर्कर हैं वो मिनिमम 16 घंटे काम करते हैं। अच्छा, जिनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब कुछ की हुई है। तो ऐसा नहीं कि कितने, अभी यदि मैं 20 आदमी काउंट करता हूँ और यदि डबल हाजिरी कर रहे हैं तो 40 हो गए। जब 40 आदमी काम कर रहे थे, डबल हाजिरी काउंट करता हूँ तो 80 आदमी काम हो गए। पर एक साथ 80 आदमी को लगा के काम नहीं कराया जा सकता, उसकी जगह उनको ही ओवर टाइम दे करके डबल हाजिरी में काम कराने से काम करने वाले जो बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टीम सारी बाहर से आई हुई है। तो अच्छा, ये ठीक है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म जिस पे अपन चल रहे हैं ये ज़मीन से करीब 6 फीट ऊपर है। हाँ, ये 6 फीट ऊपर। तो ये किस लिए बनाया गया है? पूरा जो पूरा आप देख सकते हैं, पूरी फैक्ट्री के चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिस प्लेटफॉर्म पे हम चलते हुए आ रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है, इसके साथ में बट्टियाँ रखी हुई हैं, ये प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया? ये प्लेटफॉर्म जो भट्टी में माल मेल्ट करेगा ये उनके खड़े रहने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो ऊपर खड़े होकर के इस भट्टियों के अंदर मेटल चार्ज करेंगे। अच्छा, या मेटल के अंदर जो भी स्लैग निकल रहा है उसको निकालने के लिए हाइट चाहिए, ज़मीन के लेवल पे खड़े होकर नहीं निकाला जा सकता। तीसरा कि यदि हमको भी थर्मेट रिएक्शन करानी है तो ऊपर खड़े होकर के इसके अंदर केमिकल डालेंगे, यहीं से हम चेक कर सकते हैं कि इसकी रिएक्शन कम्प्लीट हुई या नहीं, टेम्परेचर आया कि नहीं। तो उसके लिए ये चारों तरफ प्लेटफॉर्म बनाया गया, और बिना प्लेटफॉर्म के तो काम हो ही नहीं सकता। यहाँ चारों तरफ लोग खड़े होंगे, यहाँ चारों तरफ इतने टेम्परेचर में खड़े होंगे तो उनके पास सबके पास ड्रेस वगैरह सारी रहेगी, सभी के पास सेफ्टी प्रिकॉशन के सारे इक्विपमेंट हैं, और ऑलरेडी सारा ट्रेंड स्टाफ आ रहा है जो 30-35 साल से यही काम करते हैं, मेल्टिंग का काम ही कर रहे हैं। कोई भी अनट्रेंड स्टाफ या नया स्टाफ यहाँ काम करने के लिए नहीं है, क्योंकि जिस टेम्परेचर में काम करेंगे उस टेम्परेचर में तो दुर्घटना होने की संभावना है, और अगर दुर्घटना हो जाती है तो उस टाइम पे आदमी का बचना मुश्किल है, ऐसा? हाँ, दुर्घटना हो जाती है तो आदमी का बचना मुश्किल होता है, पर ऑलमोस्ट आज 42 साल से मैं इसी लाइन में हूँ, कई बार दुर्घटनाएँ भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काम करने वालों की दुर्घटना होगी, जो काम नहीं करेगा उसका एक्सीडेंट भी नहीं होगा। बिल्कुल, इसलिए उस चीज़ से आपको डर नहीं लगता कि साहब क्या एक्सीडेंट होगा, जो भी हो सकता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, वर्कर के साथ भी हो सकता है, उस सब के लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं पहले से। आपको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं लोग, तो आपने स्टील का काम किया है, घंटी का काम आप शायद पहली घंटी बना रहे हो, उसके बाद भी आपको घंटे वाले बाबा के नाम से जानते ही लोग, पब्लिक कोटा की जनता घंटे वाले बाबा के नाम से जानने लगी है। तो इस घंटे ने इतना प्रचार हो गया है इस घंटे का कि ये चंबल रिवर फ्रंट का, एक्चुअली में जो पूरा चंबल रिवर फ्रंट है उस चंबल रिवर फ्रंट का
6,000 करोड़ 3,000 करोड़ का जो कार काम है वो अपनी एक जगह पे है, लेकिन इसकी लोकप्रियता इतनी इस स्टेज पे आ गई है कि घंटी के नाम से चंबल रिवर फ्रंट को पहचाना जा रहा है और आपको घंटे वाले बाबा के नाम से जाना जा रहा है। तो ये कमेंट आपको कैसा लगता है, अच्छा लगा? नहीं नहीं ऐसा है, ये मैं स्टील का ही काम करता था, उससे पहले मैंने ब्रास का भी काम किया, ब्रॉन्ज का भी किया, स्टेनलेस स्टील का भी किया, कास्टिंग मैंने बहुत कराई है। ऑलमोस्ट मेरे को कास्टिंग लाइन का पिछले 42 साल का एक्सपीरियंस है और आज की डेट में भी दुनिया की जो सबसे बड़ी सिंगल पीस कास्टिंग है जो कि भगवान महावीर की स्टैचू है और अमरकंटक में लगी हुई है, जिसका अमरकंटक बिलासपुर के पास है पहाड़ी पर, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है जी। तो उसका वेट 30,000 kg है और वो मैंने 6 जून 1994 ऑलमोस्ट 29 साल पहले बनाई थी। तब की और आज की डेट में जो मशीनरीज उपलब्ध हैं, जिस तरह की टेक्निक चेंज हो चुकी, काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, परंतु इतना बड़ा पीस उसी ओल्ड टेक्नोलॉजी से मेरे को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी कोई मशीन्स नहीं है जहां मैं एक साथ 70,000 kg मेटल को मेल्ट कर सकूं, या इतने बड़े ये वेट को और सैंड के वेट को होल्ड कर सकें। तो ये पर्टिकुलर मोल्ड बॉक्स, मोल्ड्स, पैटर्न्स, ये सब इसी के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। घंटा एक प्रोडक्ट हो गया, मेरे लिए एक प्रोजेक्ट है।